ज्योति कुमारी, आप मुझे देख रहे हैं टीचिंग पाठशाला पे और आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 6, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं इम्यून सेल्स के टाइप्स के बारे में, मेनली लिम्फोइड सेल्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमारा जो लेक्चर था वो माइलॉइड सेल्स पे गया था, तो अभी तक 5 लेक्चर हो चुके हैं, तो मेक श्योर आपने उनको देख लिया हो ताकि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आए। जितनी भी चीजें मैं डील करवा रही हूँ वो मैंने लिया है खूबे इम्यूनोलॉजी से फ्रॉम 7th और 8th एडिशन। ठीक है, तो आज जो है जैसे मैंने कहा ये हमने डन कर लिया है, ग्रैनुलोसाइट्स मोनोसाइट्स हमने डन कर लिया है। आज हम बात करेंगे लिम्फोइड सेल्स के बारे में। लिम्फोइड सेल्स में भी आपको देखने को मिलता है बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, एनकेटी सेल एंड इननेट लिम्फोइड सेल। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट पे एक बहुत ही डिटेल लेक्चर आएगा जिसमें कि मैं इनके बारे में सब कुछ बताऊंगी। आज जो है एज अ लिम्फोइड सेल मैं इनका पूरा आप कह सकते हो आउटर लाइक आउटलाइनिंग जो होता है वो मैं मेनली आपको कवर करवाऊंगी। जब मैं इनके बारे में लेक्चर बनाऊंगी तो वो लेक्चर बहुत ही ज्यादा यू नो इन्फॉर्मेटिव होंगे और उसमें मैं सारी चीजें आपको बताऊंगी जो कि जरूरी है। लेकिन इस लेक्चर में मैं एक आउटलाइन कवर करूंगी कि अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप कैसे समझ सकते हैं कि ये क्या काम करते हैं। ठीक है, लेकिन आज थोड़ा सा ट्विस्ट है, आज मैं जो है आपको डायरेक्टली बुक से पढ़ाऊंगी, इसीलिए क्योंकि बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि मैम आप कैसे जो है बुक्स को डील कर लेती हो, आप कैसे बुक से नोट्स को जो है हमारे लिए अलग से इंपॉर्टेंट पॉइंट को सेलेक्ट करके पढ़ाती हो। तो ये एक बहुत ही यूनिक टाइप का एक्सपीरियंस होने वाला है। ऑल्दो रोज रोज मैं बुक से नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं आज जो है कुछ नया ट्राई कर रही हूँ ताकि सिर्फ और सिर्फ आपको एक अच्छे ढंग से जो है हेल्प मिल पाए और आप देख सको कि अगर आप भी बुक अगर प्रिफर करते हो तो आप कैसे पढ़ सकते हो। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने खूबे 8th एडिशन को जो है ओपन करके रखा है और मैंने टॉपिक यहाँ पे सेलेक्ट किया है द सेल्स ऑफ लिम्फोइड लीनिएज रेगुलेट द एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। ओके, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लिम्फोइड सेल्स की। लिम्फोइड सेल्स कौन सी होती है, जो कि बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, एनकेटी सेल एंड इसके अलावा जो है इननेट लिम्फोइड सेल्स का प्रोडक्शन करती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनकी तो ये क्या होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने हाईलाइट भी कर रखा है पॉइंट, क्योंकि जब मैं आप लोग के लिए नोट्स मतलब यहाँ से रेडी करती हूँ या लेक्चर रेडी करती हूँ तो मैं पॉइंट्स भी हाईलाइट करती जाती हूँ जैसे जैसे मैं पढ़ रही होती हूँ। तो सबसे पहले पॉइंट क्या आता है कि दे आर दी प्लेयर्स, यानी ये किसी चीज में पार्टिसिपेट करते हैं। दे आर दी प्लेयर्स ऑफ वॉट, दे आर दी प्लेयर्स ऑफ एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, जो हमारे बर्थ लेने के बाद जो हम इम्यूनिटी गेन करते हैं या रिस्पॉन्स को हमारी बॉडी शो करती है आफ्टर इनकाउंटरिंग द फर्स्ट एंटीजन, दैट इज व्हाट कॉल्ड द एडेप्टिव और एक्वायर इम्यून रिस्पॉन्स। साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल जो होते हैं वहां से जो सेल ओरिजिनेट करते हैं उनमें इम्यून मेमोरी होती है, यानी इनमें मेमोरी सेल्स भी होती हैं। तो पहला अगर ही हम बात करें तो इनके अंदर एडेप्टिव इम्यूनिटी देखी जाती है इन सेल्स के थ्रू, एंड दूसरा क्या होता है इनमें मेमोरी सेल्स का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये दो मेन पॉइंट हो गया। इतना ही नहीं, व्हाइट ब्लड सेल्स में जितने भी सेल्स जो हैं सर्कुलेट कर रहे होते हैं उनमें से 20-40% सर्कुलेटिंग जो सेल्स होते हैं वो यही होते हैं, ये लिम्फोइड सेल्स होते हैं। ठीक है, लिम्फोइड सेल जो है 20-40% तक ये सर्कुलेट कर रहे होते हैं और इनका जो अमाउंट होता है लिम्फ एरिया में लगभग 99% देखा गया है। ठीक है, जो बेसिक ओवरऑल अगर आप हम टाइप की बात करें कि लिम्फोइड लीनिएज में कौन कौन से सेल्स चले आते हैं, तो इसमें चला आता है बी लिम्फोसाइट जिसे कि हम कहते हैं बी सेल्स, इसके अलावा जो है टी लिम्फोसाइट चले आते हैं जिसे हम कहते हैं टी सेल्स, इननेट लिम्फोइड सेल्स चले आते हैं जिसे हम बोलते हैं ILCS, और इसके अंदर देखने को मिलता है NK सेल्स। ठीक है, यानी ILCS का एग्जाम्पल है नेचुरल किलर सेल, और इसी में जो है एक और सेल भी आते हैं जिनको कि हमको हमने क्या नाम दिया था NKT सेल। तो इस ढंग से चार टाइप के सेल जो है हमें देखने को मिलते हैं। अगर इन जनरल हम बात करें तो एक हेल्दी इंडिविजुअल की बॉडी में 10^12 लिम्फोसाइट जो है लगातार कंटिन्यूसली सर्कुलेट करते रहते हैं थ्रू आउट द ब्लड एज वेल एज लिम्फ। ठीक है, और अलग अलग टिश्यू स्पेस में माइग्रेट कर सकते हैं एज वेल एज ऑर्गन में भी माइग्रेट कर सकते हैं जहां पे उनकी जरूरत होती है। ओके, ज्यादातर अगर हम देखें कि इसके अलावा भी कहां कहां पे पाए जाते हैं, तो बहुत ही अच्छे खासे नंबर में जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो कुछ
टिश्यू एरिया में, मतलब ऐसे टिश्यू जिन्होंने किस किस एरिया को लाइन करके रखा है, यानी कहाँ कहाँ पे वो प्रेजेंट है, ऐसे टिश्यू जो कि इंटेस्टाइनल एरिया में प्रेजेंट रह सकते हैं, एयरवेज में रह सकते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में रह सकते हैं, वहां पे भी जो है लिम्फोसाइट्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक आइडिया था कि ये सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे। ठीक है, ये जो पोर्शन था ये सिर्फ इंट्रोडक्शन आपको बता के रखा है कि लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स में क्या क्या आते हैं और वो कैसे कैसे काम करते हैं। इसके अलावा अगर हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो स्मॉल हो सकते हैं, राउंड एंड डोमिनेट कर सकते हैं न्यूक्लियस में, यानी इनके पास न्यूक्लियस भी होता है, साथ ही साथ ही स्मॉल एंड राउंड होते हैं शेप में। अगर हम टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट को देखें तो ये हमें माइक्रोस्कोप के नीचे बहुत ही ज्यादा सेम देखने में नजर आते हैं, मतलब दे आर वेरी मच आइडेंटिकल इन अपियरेंस। यानी अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे इन सेल्स को देखते हो, दैट इज टी एंड बी सेल्स को देखते हो, तो आप डिस्टिंग्विश करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसके लिए क्या किया जाता है कि अगर इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं माइक्रोस्कोप में, तब और किसकी मदद से इनको डिस्टिंग्विश करेंगे, यानी इनमें अंतर कैसे पता करेंगे? तो इनके सरफेस पे जो है एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम कहते हैं सरफेस प्रोटीन्स। ठीक है, इन सरफेस प्रोटीन्स को नाम दिया गया है सीडी मॉलिक्यूल्स, या सीडी प्रोटीन्स कहते हैं, या सीडी सिर्फ कहते हैं। सो सीडी क्या है? दे आर दी सरफेस प्रोटीन एक्सप्रेस बाय द सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, आर ऑफन रेफर्ड एज अ क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन व्हिच इज नोन एज दी सीडी। ठीक है, तो आप देखोगे कि हाँ किसी सेल के ऊपर जो है, किसी सेल के ऊपर सीडी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। वो क्या करता है? वो उस सेल के लिए एक यूनिक प्रॉपर्टी का काम कर सकता है। जैसे कि आप जब किसी कॉलेज में जाते हो तो आपका आईडी कार्ड जो है वो आपके आइडेंटिफिकेशन का एक जरिया बन सकता है। सिमिलरली सीडी मॉलिक्यूल जो होते हैं सेल के सरफेस के ऊपर, वो सिग्नलिंग करने में मदद कर सकते हैं, वो पैथोजन को पहचानने में मदद कर सकते हैं, वो दूसरे सेल से इंट्रैक्ट करने में मदद कर सकते हैं। इतना ही नहीं, वो उस सेल के लिए आइडेंटिफिकेशन मार्कर का भी काम कर सकते हैं। तो इनको हम कहते हैं सीडी मॉलिक्यूल्स, जिसका फुल फॉर्म होता है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। और इनका नेचर क्या है? इनका नेचर है कि ये सरफेस प्रोटीन मानी जाती है। ठीक है, सरफेस सेल के सरफेस पे प्रेजेंट प्रोटीन होती है। कौन से सेल के सरफेस पे? मेनली ऐसे सेल्स जो कि इम्यून सिस्टम से बिलोंग करते हैं। ओके, तो ये तो हो गए सीडी। अब जैसे कि आपका एक अपना एक पर्टिकुलर नाम है, ठीक है, और आपका निकनेम भी है, घर का नाम भी है, इसी तरीके से क्या होता है, देर आर फ्यू प्रोटीन्स जिनको सीडी के फॉर्म में हम नाम दे सकते हैं, या फिर उनको कुछ और भी कह सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिया गया है कि एक मतलब कि सिग्नलिंग में पार्टिसिपेट करने वाला एक मॉलिक्यूल है जिसको कि हम कहते हैं को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल। को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल क्या करते हैं? दो सेल्स के बीच का जो इंट्रैक्शन होता है उसे और ज्यादा स्टिमुलेट कर देते हैं। तो इसी तरीके से दो को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल है, एक का नाम है B7-1 और एक का नाम है क्या, B7-2। ये तो इनका हाईफाई नाम हो गया, मतलब ये एक इनका एक नाम, मतलब ये इनका एक नाम है। लेकिन B7-1 को हम जो है सीडी की भाषा में CD80 भी कह सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, और B7-2 को हम जो है CD86 भी कह सकते हैं। तो यहां से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि साइंटिस्ट जो है किसी किसी मॉलिक्यूल के लिए नॉर्मल नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आज के टाइम पे B7 जैसे मॉलिक्यूल को प्रेजेंट करने के लिए, जो कि इम्यून सेल्स के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं, तो B7 कहा जाता है, ना कि CD80 कहा जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इनको CD80 के नाम से बुलाया नहीं जाता है, तो हेंस ये CD80 नहीं है, ऑब्वियसली ये CD80 है। इनफैक्ट CSIR NET ने तो एक बार एग्जाम में ये भी पूछा था कि B7 को हम और किस नाम से जान सकते हैं, उसमें से एक ऑप्शन था CD80। तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि B7-1 को हम CD80 के नाम से भी जानते हैं और B7-2 को हम CD86 के नाम से जान सकते हैं। अभी तक अगर देखा जाए तो लगभग 300 सीडी मार्कर जो हैं इम्यून सेल के सरफेस के ऊपर देखे जा चुके हैं, मतलब अलग अलग अगर हम इम्यून सेल्स को अगर कंसीडर करते हैं तो लगभग जो है 300 सीडी मार्कर्स देखे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये थी यहाँ की कहानी, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि सीडी मॉलिक्यूल क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल के बारे में बात करें कि सीडी मॉलिक्यूल्स कहाँ पे कैसे प्रेजेंट होते हैं, ताकि एक आपको रफ आइडिया मिले, तो जैसे कि मैंने कहा सीडी मॉलिक्यूल्स इम्यून सेल्स के ऊपर प्रेजेंट रह सकते हैं, तो यहाँ पे इम्यून सेल्स के बारे में जो है बी सेल्स, टीएच सेल, टीसी सेल, एनके सेल्स का एग्जाम्पल लिया गया है। ठीक है, तो अगर इन जनरल हम देखते हैं, मैं आपको कुछ कुछ सीरीज के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा अभी आपको
300 से ऊपर सीरीज प्रेजेंट है अभी फिलहाल में, हमें सब कुछ याद नहीं करना है, गिने चुने याद करने हैं जो कि मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। और धीरे धीरे सीरीज जो है मतलब कि क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन जो मॉलिक्यूल है, सरफेस प्रोटीन है, वो आपको धीरे धीरे आगे चल के याद होते रहेंगे, लेकिन अगर मैं एक साथ बताऊंगी तो वो आपको याद नहीं होंगे। लेकिन यस, मैं आपको लिस्ट जरूर प्रोवाइड कर दे रही हूँ, लेकिन आगे आने वाले लेक्चर में आपको धीरे धीरे सब याद हो जाएगा जब आप इनके फंक्शन के साथ इनको पढ़ोगे, ठीक है। जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल है तो CD2, ठीक है। CD2 क्या है, ये एक टाइप का एडहेशन मॉलिक्यूल होता है, सिग्नल ट्रांसडक्शन करने में मदद करता है, और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, ये टी हेल्पर सेल पे प्रेजेंट रह सकता है, और ये टी साइटोटॉक्सिक एंड एनके सेल तीनों पे ही ये प्रेजेंट रह सकता है, बी सेल के सरफेस पे ये प्रेजेंट नहीं रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं CD3। CD3 सिग्नल ट्रांसडक्शन करने में मदद करता है, किसके, टी सेल रिसेप्टर के, और ये टी सेल रिसेप्टर की मदद करता है, तो हेंस टी सेल में ये प्रेजेंट रहेगा, टीएच सेल एंड टीसी सेल दोनों में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। अगर हम CD4 की बात करते हैं तो ये भी एडहेशन मॉलिक्यूल की तरह काम करता है, जो कि MHC क्लास 2 से बाइंड कर सकता है, और ये जो है टीएच सेल में पाया जाता है, टीसी सेल में नहीं पाया जाता है, एनके सेल में भी नहीं पाया जाता है, बी सेल पे भी नहीं पाया जाता है, ठीक है। CD5 यहाँ पे अननोन है। CD8 की बात करें तो ये भी सेल एडहेशन मॉलिक्यूल की तरह काम करता है, जो कि MHC क्लास 1 से बाइंड करता है, और ये मेनली टीसी सेल में पाया जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे हैं, ठीक है, देर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सीडीज। अगर एक इम्पॉर्टेंट की बात करूं, मैं अगर आपको एक इम्पॉर्टेंट बेसिस पे कहूं कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट है जो कि CSIR एग्जाम में पूछे गए हैं, तो CD2 से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। CD2 से जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये रहा CD2, यहाँ से क्वेश्चन आता है, CD3 से आता है, CD4 से आता है, CD8, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको CD16 से क्वेश्चन आ सकता है। CD19 जो होता है वो एक्चुअल में बी सेल का सरफेस मार्कर की तरह काम कर सकता है। CD20 भी बी सेल के सरफेस मार्कर की तरह काम कर सकता है। मतलब कि सीधी सी बात है, अगर मैं आपको दो सेल देती हूँ, ये है सेल एक्स, ठीक है, और ये है सेल वाई। अब मैं ये कहती हूँ कि इन दोनों को माइक्रोस्कोप के नीचे देखो, जैसे कि मैंने बताया बी और टी सेल जो है माइक्रोस्कोप के नीचे अगर आप देखोगे तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर नजर आएंगे, उनमें कुछ खास डिफरेंस नजर नहीं आता है। लेकिन जब आप इनके सरफेस मॉलिक्यूल को स्टडी करोगे, सरफेस प्रोटीन को स्टडी करोगे, तो डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो मान लीजिए ये जो एक्स सेल है वो अपने सर्फेस के ऊपर CD20 को एक्सप्रेस कर रहा है, और ये जो वाई सेल है ये अपने सर्फेस के ऊपर CD3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप यहाँ से क्या कंक्लूजन दोगे, आप यहाँ से कंक्लूजन दोगे कि ये CD20 वाला क्या है, ये CD20 वाला बी सेल है, और ये वाई वाला ये कौन सा है जो कि CD3 एक्सप्रेस कर रहा है। देखिए CD3 सिर्फ टी सेल में देखा जाता है, तो ये क्या आप कंक्लूड करोगे कि ये टी सेल है। आई होप आप मेरी बातों से जो है खुद को कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि वॉट आई वॉन्ट टू से। जैसे कि CD16 बड़ा ही यूनिक टाइप का है, और ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, CD16 जो है आपको मिलेगा एनके सेल्स पे, नेचुरल किलर सेल पे जो है ये देखने को मिलता है। तो CD16 एक यूनिक टाइप का सरफेस प्रोटीन हुआ जो कि एनके सेल्स के ऊपर ही मिलता है, बाकी सब पे नहीं मिलता, ना ही बी सेल ना ही टी सेल पे, ठीक है। ऐसे ही करके यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल है, CD21, CD28, CD32, 40, 45, 56, 161, ये सारे के सारे यहाँ पे बहुत से एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। तो इनमें से जो मैंने आपको बताए हैं वो आप याद कर सकते हैं, जैसे कि CD28 आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा जब हम बी सेल के बारे में पढ़ेंगे तो, ठीक है। CD40 भी आपको देखने को मिलेगा, इसके अलावा CD161 भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सीडीज हो गए, यानी सेल के ऊपर प्रेजेंट सरफेस प्रोटीन हो गए, जो कि सेल को मदद करते हैं जब सेल जो है आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ एंटीजेंस। अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं बी सेल से, सॉरी बी सेल कह सकते हो आप इसे, या बी लिम्फोसाइट कह सकते हो, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट जो लेटर है बी, ठीक है, ये जो बी है वो क्यों डिराइव हुआ है, तो बी लिम्फोसाइट एक्चुअल में अपने साइट ऑफ मैच्योरेशन के कारण डिराइव है। मतलब कि बी लिम्फोसाइट कहाँ पे मैच्योर होते हैं, इसके नाम पे जो है इनको, मतलब कि इनको इनका नाम मिला है, दैट इज बी लिम्फोसाइट, क्योंकि बर्ड्स के अंदर जो है एक रीजन होता है जिसे हम कहते हैं बुरसा ऑफ फैब्रिशियस, ठीक है, बी फॉर बुरसा, बी फॉर बी लिम्फोसाइट, एंड हेंस द नेम हैज बीन गिवन। तो बर्ड्स में बुरसा ऑफ फैब्रिशियस में जो है बी लिम्फोसाइट मैच्योर होता है, और इसके अलावा बोन मैरो में जो है, इन केस ऑफ ह्यूमन, माइस एंड मेनी अदर मैमल्स, बोन मैरो के अंदर जो होता है मेजर साइट ऑफ मैच्योरेशन होता है फॉर बी लिम्फोसाइट। सिंपल भाषा में कहें तो बी लिम्फोसाइट जो है बोन मैरो में मैच्योर हो सकता है इन केस ऑफ ह्यूमन, माइस एंड अदर मैमल्स, एंड बर्ड के केस में बुरसा ऑफ फैब्रिशियस में हो सकता है।
अब चाहे बोन मैरो बोलिए या बर्सा ऑफ फेब्रिशियस बोलिए, दोनों का नाम ही बी से शुरू हो रहा है, एंड हेंस द नेम हैज बीन गिवन बी लिम्फोसाइट। जो मेच्योर बी सेल्स होते हैं उनके सरफेस पे बीसीआर प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं बी सेल रिसेप्टर। ये बी सेल रिसेप्टर क्या होता है? ये बी सेल रिसेप्टर मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोब्यूलिन होता है, जिसे हम एंटीबॉडी मॉलिक्यूल कहते हैं। तो बी सेल के सरफेस के ऊपर एक मेम्ब्रेन से बाउंड एंटीबॉडी प्रेजेंट रहता है, जिसे हम बीसीआर कहते हैं, और वो एक्चुअल में मदद करता है एंटीजन से बाइंड करने में। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक पिक्चर देखने की कोशिश करें तो आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझ में आएगा। सपोज कीजिए ये वाला पिक्चर, ठीक है, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिस इज अ पिक्चर जो कि आपको प्रॉपर ढंग से बता रहा है कि चीजें जो है वो काम कैसे कर रही है। लुक एट दिस दिस वन, ठीक है, तो आप देख सकते हैं दिस इज अ सर्फेस ऑफ द बी सेल और यहाँ पे प्रेजेंट है बीसीआर, और ये बीसीआर आपको कैसा नजर आ रहा है, ये एकदम इम्यूनोग्लोबुलिन यानी एंटीबॉडी जैसा नजर आ रहा है, और आप देख सकते हैं ये इसने जो है एक एंटीजन को कैप्चर करके रखा है, तो इसे हम कहते हैं बीसीआर, बी सेल रिसेप्टर हम इसे कहते हैं। लगभग जो बी सेल्स होते हैं उनके सरफेस के ऊपर बहुत से बीसीआर जो है प्रेजेंट रह सकते हैं। बी सेल जो है दो टाइप के एक्शन को दिखा सकता है, सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन एज वेल एज क्लास स्विचिंग। सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन एंड क्लास स्विचिंग के बारे में डिटेल में डिस्कशन होगा जब हम बी सेल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे आउटलाइन के बारे में हम बात करें तो एक्चुअल में क्या करता है, जो बी सेल है, बी लिम्फोसाइट इंप्रूव देयर एबिलिटी टू बाइंड टू द एंटीजन थ्रू द प्रोसेस called the somatic hypermutation and can generate antibodies of the different functional classes through the process of class switching. तो बी सेल जो है एंटीजन से इंट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी जो है सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन नाम के प्रोसेस से गेन करता है, साथ ही साथ वो डिफरेंट टाइप के फंक्शनल एंटीबॉडी की क्लासेस बनाने के लिए वो क्लास स्विचिंग का इस्तेमाल करता है। ये दो टर्म जो है एक ढंग से आप कह सकते हो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, एक हो जाता है क्लास स्विचिंग, ठीक है, एक हो जाता है आपके लिए क्लास स्विचिंग का काम यहाँ पे करता है, और दूसरा जो है यहाँ पर सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन, ठीक है, दिस इज अ क्लास स्विचिंग एंड द सेकेंड वन इज द सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन, ठीक है, ये दो यहाँ पर जो है एक्चुअल में काम करते हैं। अब ये करते कैसे हैं ये मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे जब मैं बी सेल का पूरा डिटेल वाला लेक्चर समझाऊंगी, अभी तो मैं खाली आपको आउटलाइन समझा रही हूँ। जो एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, यानी एक बार जो बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्चुअल में ये प्रोफेशनल एपीसी जैसे काम कर सकते हैं, एंड दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। हमने प्रोफेशनल एपीसी का लिस्ट अलग देखा था, जिसमें हमने मैक्रोफाज देखा था, डेंड्राइटिक सेल देखा था, बिल्कुल वैसे ही काम करने वाले बी लिम्फोसाइट्स भी होते हैं। तो बी लिम्फोसाइट्स इकलौते ऐसे नॉन माइलॉइड सेल हैं जो कि प्रोफेशनल एपीसी जैसे काम कर सकते हैं, और इससे क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में आता है कि वेदर बी सेल एक्ट एज अ प्रोफेशनल एपीसी और नॉट, सो द आंसर इज यस, इट यूज टू एक्ट एज ए प्रोफेशनल एपीसी। ये करते क्या है, ये अपने एंटीजन को बहुत ही स्मार्ट तरीके से जो है बहुत ही एफिशिएंट तरीके से इनगल्फ कर लेते हैं, उसके बाद उनका फ्रेगमेंटेशन करते हैं और जो पेप्टाइड क्रिएट होता है उसको अपने सेल सरफेस पे प्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। और जब एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट जब ऐसा करते हैं, जिसे हम एक्टिवेटेड बी सेल्स भी कह सकते हैं, तो बी सेल के सरफेस के ऊपर बहुत से को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि उसका इंट्रैक्शन किसी और सेल के साथ करवाएंगे। तो ये जो को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका भी एक्टिवेशन होता है, बट ये एक्टिवेट होके बी सेल को फुल्ली एक्टिवेट करते हैं, और वो कैसे होता है, वो टी सेल की मदद से होता है। मतलब कि ये रहा बी सेल, ये रहा टी सेल, ठीक है। जब ये आपस में इंट्रैक्ट करते हैं विद और इनके बीच में जब पैथोजन या एंटीजन रहता है, तो बी सेल के सरफेस के ऊपर जो को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल होता है वो टी सेल के सरफेस के ऊपर को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल से इंट्रैक्ट करता है। इनका इंट्रैक्शन क्या करता है, इनकी बॉन्डिंग को और स्टेबलाइज करता है, और वो इस बॉन्डिंग को और ज्यादा स्टिमुलेट करके एंटीजन का रिमूवल बहुत ही आसानी से कर देता है। सो इस तरीके से जब बी सेल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह काम कर रहा है, तो मान लीजिए ये एंटीजन है, ये इसके अंदर एंटर कर चुका है, और बी सेल क्या करेगा, इसका फ्रेगमेंटेशन कर देगा, पेप्टाइड में बदल देगा। बी सेल के सरफेस के ऊपर भी क्या होगा, एमएचसी मॉलिक्यूल होगा, वो उस एमएचसी मॉलिक्यूल की मदद से इस एंटीजन के पेप्टाइड को प्रेजेंट करेगा, और टी सेल क्या करेगा, टी सेल के सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट है, टी सेल रिसेप्टर प्रेजेंट है, वो इससे इसको इंट्रैक्ट करवाएगा, और इस तरीके से इस एंटीजन का जो है यहाँ से रिमूवल शुरू हो जाएगा। और मेक श्योर टी सेल को एक्टिवेट करवाने में जब ये इंट्रैक्शन हो रहा होता है, तो बी सेल के पास को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल होते हैं और टी सेल के पास भी को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल होते हैं, जब ये इंट्रैक्ट करते हैं तो टी सेल और फुल्ली तरीके से एक्टिवेट हो जाता है, ओके। और इस तरीके से बी सेल टी सेल आपस में इंट्रैक्ट करके जो है मेनली पैथोजन का रिमूवल करते हैं, फाइन।
और जब टी सेल फुली एक्टिवेट होता है तो वो क्या कर सकता है, टी सेल एक और टाइप के सेल में बदल सकता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा सेल। ठीक है, ये प्लाज्मा सेल्स में भी बदल सकता है। प्लाज्मा सेल्स क्या होती हैं? प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स होती हैं, और ये क्या करती हैं, ये एक्चुअल में फ्री एंटीबॉडीज का सिक्रीशन करती हैं, फ्री एंटीबॉडीज का ये मेनली प्रोडक्शन करती हैं। सो अल्टीमेटली एक्टिवेटेड बी सेल डिफरेंशिएट इंटू द एफेक्टर सेल विच इज कॉल्ड द प्लाज्मा सेल। तो देखिए, चाहे बी सेल हो और टी सेल हो, जब भी इन्होंने एंटीजन को इनकाउंटर किया है तब ये क्या करते हैं, ये एक टाइप का एफेक्टर सेल प्रोड्यूस करते हैं, एफेक्टर सेल एंड मेमोरी सेल प्रोड्यूस करते हैं। मैक्सिमम बच्चों को लगता है सिर्फ बी सेल मेमोरी सेल प्रोड्यूस करता है, बट ऐसा नहीं है, टी सेल भी मेमोरी सेल प्रोड्यूस करते हैं। बट वो कहते हैं ना कि बी सेल जो है दैट इज फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग द मेमोरी सेल, बट ऐसा नहीं है कि टी सेल मेमोरी सेल प्रोड्यूस नहीं करते हैं, टी सेल भी मेमोरी सेल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिसर्च मेमोरी सेल प्रोड्यूस करते हैं, और एफेक्टर सेल जो होता है वो एक्चुअल में एंटीजन को इनकाउंटर करके, एंटीजन से इंट्रैक्ट करके इसका रिमूवल कर रहा होता है। और मेमोरी सेल्स क्या करते हैं, मेमोरी सेल्स नेक्स्ट टाइम जब वो इनकाउंटर करेगा पैथोजन तो उस टाइम पे वो मेनली काम करते हैं। ठीक है, तो एफेक्टर सेल एक्चुअल में फंक्शनल सेल होता है, इन्हीं का एक फंक्शनल फॉर्म होता है, वेदर इट इज अ टी सेल और बी सेल। प्लाज्मा सेल्स याद रखिएगा, प्लाज्मा सेल जो होते हैं किसी भी टाइप का मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबुलिन को एक्सप्रेस नहीं करते, मतलब उनके सर्फेस के ऊपर आपको जो है एंटीबॉडीज देखने को नहीं मिलेंगी, बिकॉज प्लाज्मा सेल्स मेनली एंटीबॉडी को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, इनका मेनली काम होता है एंटीबॉडी को सिक्रीट करना, फ्री फॉर्म में सिक्रीट करते हैं, और ये एक सेकेंड में जो है, पर सेकेंड में अगर ये स्टिमुलेट हो गया, इनका फॉर्मेशन हो गया, तो ये पर सेकेंड में 100 से लेकर 1000 मॉलिक्यूल जो है एंटीबॉडीज का प्रोड्यूस कर सकते हैं। और एंटीबॉडीज भी क्या होती हैं, एंटीबॉडीज भी एक टाइप की आप कह सकते हो प्रोटीन्स ही होती हैं, जो कि बॉडी में काम कर रही होती हैं, हमारी बॉडी में पैथोजन से फाइट कर रही होती हैं। ठीक है, और इस तरीके से जो है प्लाज्मा सेल्स में फॉर्मेशन हो जाता है, और ये प्लाज्मा सेल्स में तभी डिफ्रेंशिएट होंगी बी सेल जब इन्होंने किसी आप कह सकते हो कि पैथोजन को इनकाउंटर किया होगा। अब हम बात करते हैं टी लिम्फोसाइट्स के बारे में। ठीक है, तो अभी जो है मैंने आपको लगभग 15 मिनट का लेक्चर पीडीएफ से पढ़ा दिया। ठीक है, आई थिंक आपको एक बेटर आइडिया मिल गया होगा कि आप पीडीएफ से इन सारी चीजों को कैसे डील कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो टी लिम्फोसाइट के केस में भी मैंने जो है बहुत सी चीजें हाईलाइट करके रखी है, बट मैं जो है इसको आपको अपनी लैंग्वेज में पीपीटी के मीडियम से समझा देती हूँ, लिख के समझा देती हूँ कि ये काम कैसे करती है एंड ओवरऑल चीजें कैसी होती है। लेकिन अभी तक आई थिंक आप लोग की रिक्वेस्ट थी, इसलिए मैंने पीडीएफ के मीडियम से आपको 15 के लेक्चर समझा के दिखाया कि मैं कैसे डील करती हूं, और मैं आपको पढ़ाने के लिए नोट्स को कैसे हाईलाइट करके एज वेल एज कॉपी में जो है मैं उनको नोट डाउन करके कैसे प्रिपेयर करती हूं। ओके, तो अब हम बात करते हैं टी लिम्फोसाइट के बारे में। टी लिम्फोसाइट्स को हम टी सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इनको ऐसा नाम क्यों मिला है? ठीक है, इनके नाम के पीछे जो है, नाम के पीछे रीजन क्या है? तो नाम के पीछे रीजन ये है कि एक्चुअल में टी लिम्फोसाइट का जो एरिया होता है, साइट ऑफ मैच्योरेशन अगर हम बात करते हैं, ठीक है, साइट ऑफ मैच्योरेशन जो है वो एक्चुअल में होता है थाइमस। ठीक है, THYMUS, थाइमस। अब इस थाइमस के टी के कारण जो है इसको टी लिम्फोसाइट कहा जाता है। जैसे बी सेल के केस में बोन मैरो एंड बर्सा फैब्रिशियस था, इसी सिमिलर बेसिस पे ही थाइमस में टी लिम्फोसाइट मैच्योर होते हैं, इसीलिए हम इनको टी लिम्फोसाइट कहते हैं, टी फॉर थाइमस, टी फॉर टी लिम्फोसाइट। ठीक है, इस ढंग से इनको नाम दिया जाता है। इनके पास जो है, जैसे बी सेल में बीसी आता है, इनके पास भी एंटीजन से बाइंड करने के लिए, ठीक है, एंटीजन बाइंडिंग के लिए इनके पास भी एक रिसेप्टर होता है जिसे हम नाम देते हैं टीसीआर। ठीक है, जिसे हम कहते हैं टी सेल रिसेप्टर। टी सेल रिसेप्टर की क्या खासियत है? टीसीआर जो है ये सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई कर सकता है प्रोसेस्ड एंटीजन को। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस्ड एंटीजन? प्रोसेस्ड एंटीजन का मतलब होता है जिसका ब्रेकडाउन ऑलरेडी हो गया हो, जो कि एंटीजन जो है ब्रेक होके पेप्टाइड में बदल गया हो, इसको हम कहते हैं प्रोसेस्ड एंटीजन। तो टीसीआर सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई करते हैं प्रोसेस्ड एंटीजन को, जबकि हमने देखा बीसीआर की केस में बीसीआर एक पूरा का पूरा सॉल्युबल एंटीजन को आइडेंटिफाई कर सकता है, क्योंकि वो खुद ही अपनी बॉडी में इंगल्फ करने के बाद उसे ब्रेक करता है। लेकिन टीसीआर के साथ ऐसा नहीं है, टीसीआर ऐसे ही एंटीजन को इनकाउंटर करेगा या रिकॉग्नाइज करेगा जिसकी ऑलरेडी फुल्ली प्रोसेसिंग हो चुकी है। ठीक है, तो होता क्या है, ये जो फुल्ली प्रोसेस एंटीजन है वो करता है क्या, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। मान लीजिए ये एंटीजन है, ठीक है, इसे किसी एपीसी ने इनगल्फ कर लिया है, और इसको क्या कर दिया, इसको ब्रेक करके पेप्टाइड में बदल दिया। पेप्टाइड में बदलने के बाद इस सेल के सरफेस के ऊपर एक और सरफेस प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं एमएचसी मॉलिक्यूल। अब ये जो यहाँ पे एंटीजन प्रोसेस हुआ है ये यहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है,
और यहाँ पे जो इंट्रैक्ट करता है सर, उसे हम कहते हैं टी सेल या टी लिम्फोसाइट। ये जो टी लिम्फोसाइट होता है, इसी का तो ये वाला जो पोर्शन होता है जिसे हमने क्या कहा था, टीसीआर। तो टीसीआर क्या कर रहा है, ये क्या फुली एंटीजन है? नहीं, ये कौन सा है, ये है प्रोसेस्ड एंटीजन। प्रोसेस्ड एंटीजन क्योंकि यहाँ पे प्रोसेसिंग हो चुकी है उसकी ऑलरेडी, क्योंकि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने क्या किया है, पहले उसका प्रोसेसिंग किया है फिर उसको प्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए टी सेल जो है कभी भी इंटैक्ट एंटीजन को नहीं आइडेंटिफाई करता है, वो हमेशा प्रोसेस्ड एंटीजन को इनकाउंटर करता है। अब जब हम बात करते हैं कि इसका आइडेंटिटी मतलब कि ये जो एंटीजन है वो किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, एंटीजन पेप्टाइड, एंटीजन जो पेप्टाइड होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है एमएचसी मॉलिक्यूल के थ्रू। अब बात आती है ये एमएचसी मॉलिक्यूल है क्या, तो ये एमएचसी मॉलिक्यूल की अगर हम बात करते हैं तो ये एमएचसी मॉलिक्यूल एक टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, यानी ये शुगर एज वेल एज प्रोटीन दोनों से मिलके बने हैं। दे आर दी काइंड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन जो कि कहाँ पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन पे पाए जा सकते हैं, यानी इम्यून सेल के मेम्ब्रेन पे पाए जा सकते हैं। ठीक है, ये पाए जा सकते हैं। अब ये जब एमएचसी की हम बात करते हैं तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है या जो एमएचसी की हम बात कर रहे हैं, ये एमएचसी दो टाइप का हो सकता है। पहला कौन सा टाइप हो सकता है, पहला हो सकता है एमएचसी क्लास वन, ठीक है, और दूसरा हो सकता है एमएचसी क्लास टू। ठीक है, एमएचसी क्लास वन जो है जितने भी बॉडी में न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, ठीक है, न्यूक्लिएटेड सेल्स जो होते हैं, न्यूक्लिएटेड सेल्स के थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है एमएचसी क्लास वन। और एमएससी क्लास टू सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल एपीसीज ही एक्सप्रेस कर पाती हैं, यानी जितने भी प्रोफेशनल एपीसी हैं उनके सरफेस, सेल के सरफेस के ऊपर एमएससी क्लास टू एक्सप्रेस करेगा, जबकि सारे न्यूक्लिएटेड सेल के सरफेस के ऊपर एमएससी क्लास वन एक्सप्रेस करेगा। और प्रोफेशनल एपीसी में कौन कौन चली आती है, मैक्रोफाज चले आते हैं, डीसी चले आते हैं, और अब बी सेल भी चला आता है, और सारे के सारे जो न्यूक्लिएटेड सेल है उनके सरफेस के ऊपर एमएससी क्लास वन पाया जाता है। हम जो है अब टी सेल को जो है एक बहुत ही बेटर ढंग से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, टी सेल में क्या होते हैं, टाइप आता है जिसे हम बोलते हैं टी हेल्पर सेल, और दूसरा होता है टी साइटोटॉक्सिक सेल। टी साइटोटॉक्सिक सेल को हम टीसी सेल कहते हैं, और टीएच सेल को, टी हेल्पर सेल को हम टीएच कहते हैं। टीएच सेल का आइडेंटिफिकेशन मार्कर क्या होता है, इसके सरफेस पे प्रेजेंट होता है CD4+ सरफेस मार्कर, और टीसी सेल के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है CD8+ सरफेस मार्कर। ये इनके आइडेंटिफिकेशन का तरीका है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि ये टी सेल कौन से एमएचसी मॉलिक्यूल से इंट्रैक्ट करते हैं, तो ये इंट्रैक्ट कर सकते हैं एमएचसी क्लास टू से, ठीक है, और ये किससे, साइटोटॉक्सिक सेल किससे इंट्रैक्ट कर सकते हैं, ये एमएससी क्लास वन से इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, टीएच सेल का और फर्दर कैटेगराइजेशन करते हैं। टीएच सेल को और भी बहुत से टाइप में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि पहला हो गया TH1, ठीक है, नेक्स्ट हो गया TH17, ठीक है, नेक्स्ट TH2, देन TFH, नेक्स्ट टी रेगुलेटरी, टी रेग कहा जाता है। अब इनमें से देखा ये जाता है, ये जो दोनों के दोनों हैं TH1 एंड TH17, TH17 इसको नाम इसलिए दिया गया है बिकॉज ये साइटोकाइन 17 का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो TH1 एंड TH17 क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जब इंट्रा सेलुलर पैथोजन की बात होती है, ठीक है, यानी बॉडी में कोई ऐसा पैथोजन है जो कि इंटरनली जनरेट हुआ है, उस टाइम पे TH1 एंड TH17 काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं TH2 एंड FH, ये कब काम करते हैं, जब बॉडी में एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन एंटर करता है, जैसे कि हो गया बैक्टीरिया, हो गया पैरासिटिक वॉर्म, हो गया ये सारे जो है एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन का एग्जाम्पल हो गया। अब बात आती है टी रेगुलेटरी क्या करता है, तो देखिए टी रेगुलेटरी जो होता है एक्चुअल में ये इम्यून रिस्पॉन्स को इनहिबिट करता है। ठीक है, तो इसका काम थोड़ा सा हटके है। ठीक है, और इसे हम नेचुरल टी रेगुलेटरी सेल्स भी कह सकते हैं। इसके पास अगर सरफेस मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो इसके पास CD4 एंड CD25 पाया जाता है। ठीक है, सरफेस के ऊपर आप इस तरीके से इसको पहचान सकते हैं। इतना ही नहीं, ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी एक्सप्रेस करता है अपने अंदर जिसको हम कहते हैं FOXP3। ठीक है, इसका काम क्या होता है, एक्चुअल में बॉडी में जो ऑटो रिएक्टिव रिस्पॉन्स होता है ना, जब हमारी बॉडी हमारे ही सेल्स पे अटैक करने के लिए कुछ भी ऐसे सिम्टम शो करती है, तो एक्चुअल में ये उसे कंट्रोल करता है। ठीक है, टी रेगुलेटरी सेल हमारी बॉडी में
ऑटो रिएक्टिव रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल। तो इस ढंग से हमने देख लिया कि टीएस सेल और उसके सबसेट जो है क्या काम करते हैं। टीसी सेल कब काम करता है? टीसी सेल मेनली तब काम करता है जब हमारी बॉडी में नॉन सेल्फ एंटीजन जो है वो प्रेजेंट हो रहे होते हैं सेल पे, जैसे कि हो गया वायरस इन्फेक्टेड सेल, ट्यूमर सेल हो गया। इसके अलावा जो मतलब कि एक ग्राफ्टिंग रिजेक्शन होता है, जब किसी टिश्यू का ग्राफ्ट जो है रिजेक्ट हो जाता है, तब भी ये काम कर रहा होता है। तो इस ढंग से जो है मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि ये वायरस इन्फेक्टेड सेल को एलिमिनेट करता है, ट्यूमर सेल को एलिमिनेट कर सकता है। इसके अलावा जो सेल्स होते हैं जो कि फॉरेन टिश्यू ग्राफ्टिंग से जनरेट हुए, उनको भी बॉडी से एलिमिनेट करने में ये मदद करता है। तो हमने देख लिया कि टी सेल या टी लिम्फोसाइट को हमने दो मेजर पार्ट में डिवाइड किया था, फर्स्ट एंड सेकेंड, और इनके भी फर्दर हमने जो है पोर्शन देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि एनकेटी सेल्स क्या होते हैं, नेचुरल किलर टी लिम्फोसाइट्स या टी सेल्स क्या होते हैं। अब ये एनकेटी सेल्स क्या है, एनकेटी सेल्स का मतलब होता है नेचुरल किलर टी सेल्स, ठीक है। इट इज अ नेचुरल किलर टी सेल्स कहलाता है। इसका लीनियज क्या है, वेरी ऑब्वियस, ये एक लिम्फोइड लीनियज से बिलोंग कर रहा है क्योंकि हम इसे लिम्फोइड टिश्यू में पढ़ रहे हैं। और ये जो है कॉमन पाया जाता है, कॉमन बिटवीन इननेट इम्यूनिटी एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी। इनके पास भी क्या होता है, दे कैन एक्सप्रेस टीसीआर, ठीक है, ये भी जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं टीसीआर को, यानी टी सेल रिसेप्टर को। ये जिस एंटीजन को आइडेंटिफाई करते हैं उनका नेचर क्या हो सकता है, उनका नेचर हो सकता है लिपिड एज वेल एज ग्लाइकोप्रोटीन। यानी आप बोल सकते हो कि ऐसे एंटीजन जिनके सरफेस पे प्रेजेंट रहता है लिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, ऐसे एंटीजन को एनकेटी सेल्स बहुत ही आसानी से जो है आप कह सकते हो पहचान लेते हैं, ठीक है। होता क्या है, इनके एक्शन करने का तरीका क्या होता है, जो एनकेटी सेल्स होते हैं वो एक्चुअल में अपने आप कह सकते हो कि उनके अंदर जो ग्रैन्यूल्स होता है, उस ग्रैन्यूल्स में जो उन्होंने साइटोटॉक्सिक चीजें स्टोर करके रखी होती है, यानी जो सेल के लिए टॉक्सिसिटी प्रोवाइड करती हैं, वो एक्चुअल में उसे रिलीज कर देते हैं, ठीक है। सो दे रिलीज साइटोकाइंस ग्रैन्यूल्स दैट कैन किल द टारगेट सेल, ठीक है। तो ये हो गई एनकेटी सेल्स के बारे में एक छोटी छोटी सी स्टोरी कि ये क्या करते हैं और कैसे करते हैं। इतना ही नहीं, इनके पास जो है सरफेस मार्कर के नाम पे जो है इनके पास भी एक सीडी पाया जाता है जिसे हम कहते हैं CD1, ठीक है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल विल रिप्रेजेंट दी सेल सरफेस प्रोटीन विच इज नोन एज दी CD1, तो आपका आंसर होना चाहिए एनकेटी सेल्स। अब आता है फोर्थ टाइप जिसे हम कहते हैं इननेट लिम्फोइड सेल्स, शॉर्टकट में हम इसे ILCS कहते हैं, ठीक है। वेरी ऑब्वियस, ये लिम्फोइड ऑरिजिन के हैं, ठीक है। इनके पास कोई भी रिसेप्टर नहीं पाया जाता है, ठीक है, नो रिसेप्टर फॉर एंटीजन। इनके पास कोई भी रिसेप्टर नहीं होता है एंटीजन के लिए। इनको अगर हम डिवाइड करना चाहें तो ये डिवाइड हो सकते हैं कैसे, फर्स्ट टाइप हो सकता है ILC1, सेकेंड टाइप हो सकता है, मतलब इनको अलग अलग साइंटिस्ट ने जो है अलग अलग बेसिस पे डिवाइड किया है, थर्ड हो सकता है ILC3, ठीक है। अब ये इस तरीके से एक्सप्रेस किए गए, इनको नेमिंग इस तरीके से दी गई है कि ये किस टाइप के साइटोकाइंस को प्रोड्यूस करते हैं, उस चीज को ध्यान में रखते हुए जो है इनको इनकी नेमिंग दी गई है। लेकिन मेक श्योर कुछ साइंटिस्ट जो है इसको इस तरीके से कैटेगराइज करते हैं, कुछ जो है किसी और तरीके से कैटेगराइज करते हैं, बट ये एक रफली मैं आपको कैटेगराइजेशन बता रही हूँ। एग्जाम्पल की बात करें कि अगर एग्जाम्पल में हम देखें कि इननेट लिम्फोइड सेल्स में कौन से सेल आते हैं, तो एक आपने सेल का नाम सुना होगा जिसे हम कहते हैं एनके सेल्स, जिसे हम कहते हैं नेचुरल किलर सेल। अभी जो नेचुरल किलर सेल होता है वो साइटोटॉक्सिक होता है, यानी ये सेल को किल कर सकता है, अफेक्टेड सेल या इन्फेक्टेड सेल जो होते हैं बॉडी में उनको किल कर सकता है, ठीक है। इनके पास जो सरफेस प्रोटीन होता है उसको हम कहते हैं NK1.1। जो भी मैंने आपको एक टेबल दिखाया था जब मैं पीडीएफ की मदद से आपको पढ़ा रही थी, तो वहां पे मैंने आपको सीडी फॉर्म में भी दिखाया था, तो इसको हम NK1.1 कह सकते हैं। जो पेरिफेरल ब्लड में जो लिम्फोसाइट्स देखे जाते हैं ह्यूमंस में, उनमें इनका नंबर जो है 5 to 10% होता है, ठीक है, 5 to 10% जो है इनका प्रेजेंस देखा गया है। इतने ही नहीं, ये ऐसे सेल पे अटैक करते हैं जिस सेल के सरफेस के ऊपर MHC मॉलिक्यूल नहीं होता है। सो इसके साथ जो है हमने एक आप कह सकते हो एक आउटलाइन कवर कर ली, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग, आज मैंने आपको डिटेल नहीं पढ़ाया है, मैंने आज आपको एक आउटलाइन बताया है, क्योंकि अभी भी हमने जो है बेसिक्स पे ही अभी हम हैं, अभी हमने एडवांस पे डील करना शुरू नहीं किया है। एक बार जब हम एडवांस पे डील करेंगे तो इन सभी चीजों के बारे में दोबारा से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उस टाइम पे डिस्कशन का जो एरिया होगा और फोकस होगा वो किसी और पे होगा। तब मैं आपको बार बार ये नहीं बताऊंगी कि हाँ एनके सेल के ऊपर जो है NK.1.1 जो है देखा जाएगा, मतलब कि जो प्रोटीन है NK1.1
वन ये देखा जाएगा, ये बार बार चीजें बताने वाली नहीं होंगी, अब ये एक बार में ही पता चल जानी चाहिए। ठीक है, तो आज हमने पूरा आउटलाइन पढ़ा कि लिम्फोइड जो प्रोजेनाइटर सेल होते हैं वो कितने टाइप के सेल में ओरिजिनेट होते हैं और उनका एक बेसिक फंक्शन क्या होता है। ठीक है, सिर्फ बेसिक फंक्शन की हमने डील किया है, क्योंकि टी और बी लिम्फोसाइट्स अपने आप में बहुत लंबा चैप्टर है और वो चैप्टर हम डील करेंगे, डिटेल में डील करेंगे। तो आज मैंने कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम रखी है क्योंकि हम धीरे धीरे डोज को बढ़ाएंगे, और मैं उम्मीद करती हूँ ये जितना भी हमने बेसिक कवर किया है रिगार्डिंग द इम्यूनोलॉजी वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जिस भी टॉपिक को ब्रॉडर बेसिस पे कवर करने की जरूरत होगी वो आने वाले लेक्चर में कवर कर दिया जाएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मैं उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर जो है उसने आपके कुछ बेसिक्स को क्लियर किया होगा। अगले वीडियो में जो है हम इसके आने वाले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, मेनली हम लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल स्विच टू द इननेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी इन डिटेल। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप लर्निंग। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही साथ आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ।